जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटना से शासन प्रशासन बेहद चिंतित नजर आ रही है। वहीं आज यातायात जागरूकता माह अभियान रैली का एसपी और एआरटीओ ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं बलिया पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा आप सभी जानते हैं, पुलिस विभाग द्वारा माह नवंबर को यातायात जागरूकता माह के रूप में ये मनाया जाता है और इस महीने पुलिस विशेष तौर से यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करती है ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में कमी आए, लोग जागरूक हों, वाहन सतर्कता से चलाएँ, सावधानी से चलाएँ और साथ में यातायात नियमों का पालन भी करें। जैसा आप सब जानते हैं कि मार्ग दुर्घटनाओं में जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है उनकी संख्या अपराध के कारण मृत्यु से कहीं अधिक है और उससे न केवल एक परिवार का सदस्य अपने जीवन से हाथ धो लेता है लेकिन उसका पूरा परिवार उसके कारण बाधित होता है और इसी कारण से, इसी उद्देश्य से इस माह में ये क्रियाकलाप पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें आज चूँकि इसका प्रारंभ शुभारंभ हुआ है, इसमें एनसीसी के कैडेट्स आए हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, गणमान्य सदस्य नागरिक हैं हमारे बलिया जनपद के, तो उनको इस ओर उनको भी उनसे आग्रह किया गया है कि इस ओर अपने आसपास के लोगों के अंदर भी जागरूकता पैदा करें और ये सुनिश्चित हो कि जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है दुर्घटनाओं की वजह से उनमें हम कमी ला पाए। आपको बता दें, इस मौके पर एसपी, एएसपी, एआरटीओ, सीओ यातायात मौजूद रहे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।